अस्सलाम वालेकुम। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बाकी ये कि भाई सुबह जल्दी उठ गए थे, मतलब रोज़ की रूटीन है। अभी 2 दिन का गैप आ गया था, 2 दिन की छुट्टी आ गई थी, तो आज थोड़ा उठने में मसला होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से उठ गए थे। और अभी जो है हम नाश्ता भी अपना साथ ही लिया, पराठे और चने अपने लिए लाए, अम्मी के लिए लाए, वाइफ के लिए लाए, नाश्ता भी हमारा आ गया, गाड़ी में पड़ा हुआ है। बाकी ये कि यार तबीयत जो है ना वो अप डाउन हो रही है, बस अल्लाह बेहतर करे। अभी ऊपर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। और एक मैंने चीज़ नोट करी है, मैं जब वैसे रात दोपहर में उठता था ना, 2 बजे 1:30 बजे तकरीबन 1 बजे तक मैं उठ जाता था, 12:30 1 बजे तक। फिर मैं जॉब पे जाता था ऑफिस, तो ऑफिस जाने के बाद जो है फिर मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ खाता था। मतलब कि जैसे 3 बजे 4 बजे 3:30 बजे इस टाइम में नाश्ता मेरा होता था सुबह के टाइम पे। अभी ये रूटीन बनी हुई है कि अभी सुबह उठो, उठते ही जो है वापसी घर आओ, घर आते हुए जो है या तो बाइक पे जाके नाश्ता लिया, आज जो मैं गाड़ी में जाके लिया था। तो ये कि सुबह ही सुबह भूख लग जाती है कि हाँ यार खाली पेट हो रहा है, कुछ खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए टाइम से। तो ये एक फ़ायदा हो गया है मुझे इस चीज़ से ना, जल्दी उठने से, कि भाई नाश्ता जो है वो प्रॉपर टाइम से हो रहा है, ये अच्छा है सेहत के लिए भी। बाकी जिसम में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा, समझ से बाहर है। अभी जाके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जो है फिर हम दोबारा सोएंगे, फिर दोपहर में उठ के हम अपने काम पे, जो हमारा रूटीन है काम की, तो बस वो निपटाएंगे। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह दोपहर में उठने के बाद। A few moments later. तो जनाब नहा वहा के हम हो गए फ्री, उठ गए थे सो के, अभी नहा वहा के फ्री हुए। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस के ही देर हो रही है, और रास्ते से हम लेंगे अपने लिए खाना। ऑफिस से फ़ोन आया था कि उनके लिए भी खाना लेना है, तो उनके लिए भी खाना लेंगे और अपने लिए भी खाना लेंगे। खाने में आज जो है दाल चावल की फरमाइश आई है ऑफिस से, और बिरयानी की, तो हम भी अपने लिए जो है वो बिरयानी लेंगे। तो बस अभी निकलते हैं ऑफिस, तकरीबन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अभी नहा वहा के बस नीचे उतरे हैं। तो अभी बस बाइक पे बैठते हैं और सीधा चलते हैं ऑफिस। चलो फिर चलें ऑफिस। जनाब हम पहुंच गए हैं बिरयानी लेने, पीछे बिरयानी की दुकान है, बस यहाँ से बिरयानी लेते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस। बन रही है पार्सल और वहाँ पर हमारी चिकन बिरयानी बन रही है। माशाल्लाह तो काफ़ी अच्छा काम है। हाँ डाल दो, मसाला डाल दो, चटपटी कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हम खा के हो गए फ्री। अभी काम वगैरह देखते हैं ऑफिस से, क्या काम है। अगर बाहर का काम होगा तो बाहर का काम करेंगे, अंदर का काम होगा तो फिर अंदर का काम देखते हैं। पर अभी काम वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से फ्री होके हम, अगर बाहर का काम है तो फिर बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर का क्या सीन है। अभी हम आए हुए थे साइमा विलास में, और ये सोसाइटी बहुत अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह से। मैं यहाँ जब भी आता हूँ ना दिल खुश हो जाता है इसको देख। सोसाइटी ऐसी बनी हुई है सुकून वाली, क्लियर रोड, कोई जम, कोई मतलब खड्डा छड्डा नहीं है। देखें आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाले घर बने हुए माशाल्लाह से। है दूर ये सोसाइटी, है काफ़ी दूर सोसाइटी, लेकिन अच्छी बनी हुई है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, बिल्कुल कोई हो नहीं, मतलब खड्डे वड्डे नहीं है, बिल्कुल सुकून वाला सीन है यहाँ पर। बस हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। जैसे बैरिया टाउन बना हुआ है ना, सेम ऐसी ये सोसाइटी भी बनी हुई है, ठीक है, नीट एंड क्लीन, कोई कचरा नहीं, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं। बेंगलोर एक तरफ बने हुए हैं, फ्लैट एक तरफ बने हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सीन है। बाबा हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ, ये कट से हम वापस मुड़ते हैं और निकलते हैं। बाइक आ रही है, बाइक आ जाए हम निकलते हैं। देखिए यहाँ के रोड की हालत देखें, अभी तो क्लियर है, लेकिन आगे जो डंपर जा रहा है ना वो मिट्टी छिट्टी उड़ाता हुआ, फुल VIP मिट्टी उड़ाता हुआ जा रहा है। यहाँ जो है वो फ्लैट की कटिंग वगैरह हो रही है। भाई घर पहुँचते पहुँचते ना उलिया चेंज हो जाता, पूरा मिट्टी में भर जाता बंदा। अरे मिट्टी कितनी उड़ा रहा डंपर वाला। इंडिया में पाकिस्तान इंग्लैंड का यहाँ पर मैच वगैरह हो रहा है, देखे सामने सदर न्यू टाउन वो हो रहा, सामने जो लाइटें जल्दी थी वो स्टेडियम था।
है और जैनब की अम्मी भी उड़ गई हैं, तो अभी हम जा रहे हैं जैनब को पार्क लेके। काफ़ी टाइम से जैनब जिद कर रही थी और हम नहीं जा पा रहे थे। कल भी हम उस जगह से गुजरे हैं तो जैनब जो है वो शोर कर रही थी देख के कि मुझे जाना है जाना है, गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। तो आज जो है हम डिसाइड किया कि हम जैनब को अभी लेके जाएंगे पार्क। चले चलो चलो, बस अभी हम आपसे मिलते हैं पार्क जाके। ये बेटा चलो चलो, अभी जैनब सो के उठे तो चिड़चिड़ी भी हो रही थोड़ी सी, तो आपसे मिलते हैं पार्क में जाके। हम आ गए हैं पार्क। सैनू मज़ा आ रहा है? ये क्वाइंस हमने ले लिए, क्या चाहिए बेटा? ये ले। चले खुशियाँ, जैनब की खुशियाँ ही नहीं ख़त्म होगी दे रही। क्या चाहिए बेटा? चले कैसे चल रही है माशाल्लाह से, चलाएं। वे भाई जैनब को हम ले आए हैं, टोकन हमने ले लिया है। जैनब खुश बिल्कुल गेट के पास से इतना खुश थी जैनब जिसको कोई याद नहीं। बस अभी जैनब को जो है वो राउंड मतलब झूले वगैरह झुलवाते हैं, तो देखिए जैनब पीछे बैठी हुई है। ये रही जैनब, दिखा आपको? ये जैनब पीछे बैठी हुई है। बस अभी जैनब को जो है वो हम झूले झुलवाते हैं। जैनब बेटा, जैनब इधर, पापा क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, जैनब डर रही है, अकेली है ना इसलिए। क्वाइंस डालो, पता नहीं ऑन है या नहीं है। ये डाला लेकिन क्वाइंस चल नहीं रहा, तो वो वहाँ से सेट कर। ओए वाह, जैनब की खुशियाँ आप चेक करें माशाल्लाह से। छोड़ने बैठे हैं उसको। वाह हटो बेटा, बेटा क्या हो गया? ओह वाह जी, पापा की जान। जैनब मैडम जो है अभी डर रही थी लेकिन अभी सही हो गई है। अभी इसके बाद जो है इनको और किसी झूले में बिठाएंगे। जैनब को बिठाते हैं इस गाड़ी के अंदर। ओए वाह, जो है ये इस पर बिठाया था, ये रुकी है। अभी जैनब को बिठाते हैं बाइक पे। पकड़ लो ऐसे, इसके अंदर हम डालते हैं। बाइक पे बिठाऊं बेटा? चलो बस अभी इस पे हम डालते हैं टोकन से। जैनब डर रही है। क्या हुआ बेटा? नहीं भाई, डर लग रहा है इसके, पता ना आगे भाई। तो भाई जैनब जो है वो इस बाइक पे जो है ना वो डर रही है, तो दूसरे किसी पे बिठाते हैं। जैनब बैठ गई हैं इसके ऊपर, हम इस पे भी टोकन डालते हैं ऐसे। वाह, अब जैनब इसको मज़े से। जैनब जी बेटा, मैं पीछे बैठूं? अच्छा बाबा बैठते पीछे बैठते, बाबा पीछे बैठे हाँ। ओए वाह जैनब, जैनू वहाँ बच्चे झूले झूल रहे ना। जैनब नहीं भाई, लिफ्ट ही नहीं है भाई, कोई लिफ्ट नहीं। जैनब जैनब वहाँ बच्ची झूला झूल रही है ना, तो वहीं देख रही है। जाना है आपको? जंपिंग पे नहीं जाना? ऐसे ऐसे, ओए वाह, ऐसे
झूले वगैरह जला दिए, स्लाइड भी जला दी पीछे वाली। अभी जैनब कह रही है पीछे जो झूले लगे हुए ना ये झूलने, अब ये सारे जो पीछे झूले लगे हुए ये ख़राब है। तो अब जैनब को कैसे समझाएं, जैनब को समझ में नहीं आ रही। जैनब कह रही नहीं झूलने तो वही झूलने। तो बस अभी यहाँ पर जितने झूले थे वो हमने झुलवा दिए। जंपिंग पे जैनब नहीं जा रही, डर रही है। एक से दो बच्चे होते हैं ना तो ये खेल लेती है, मतलब भाई की बेटी वगैरह होती है तो ये उनके साथ खेल लेती है। तो अभी जो है हम इसको अकेले लाए, छोटे उठी थी तो अभी थोड़ी चिड़चिड़ी होती लेकिन अभी फ्रेश हो गई है। अभी यहाँ थोड़ी देर खेलेगी जैनब, फिर देखते हैं। जिद करके दोबारा इस झूले पे बैठी है, कह रही दोबारा इसी पे बिठाए। एक वो पीछे गाड़ी खड़ी है वहाँ बैठने का बोली थी, वहाँ तो बिठा दिया लेकिन वो चल नहीं रहा, ख़राब है। अभी जैनब दोबारा जिद करके इस झूले पे कह रही मुझे बैठना है, और बच्चे आए हैं ना तो वो खेलने, तो उनके साथ उनको देख देख के जो है दोबारा कह रही कि इस झूले पर बिठाएँ। तो अभी हमने जैनब को इस झूले पर दोबारा बिठा दिया। जैनब बेटा, जैनब नहीं भाई, जहाँ बच्चे होते हैं ना ये वहीं देखते। और इस पर बैठना है, अब किस पर बैठना है? अब वो बराबर में झूला है, कह रही है उस पर बैठना है। अब हमने बिठाना है जैनब को इस झूले पे। वाह, इसको पकड़ के रखना, जिस तरह हिल रहा है ना ये, ठीक है? ओए 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 ओए, वाह जैनब, देखिए कैसे डर रही है, डर रही है जैनब। जैनब को डर लग रहा है भाई, उई उई उई, नहीं नहीं कह रही उतार दो, डर लग रहा है, लेकिन डर रही है। उतार दो, उतार दो भैया, उतार दो। देखा आपने कैसे जैनब डरती है, झूला चल रहा है लेकिन जैनब उतर गई है, अब वो डर रही है। बस अब हम यहाँ से जो है ना निकलते हैं, चलें क्या? अब हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं रास्ते में, वरना फिर घर चलते हैं सीधा। किस पे बैठना है भाई? इसको देखें, अभी दोबारा टोकन लिया जिद करके, अब कह रही है इस पे बैठना है, इस पे बैठना है मेरी बेटी को। जैनब लाए बाबा को, दे बाबा डालें, देखें वो देखें वो देखें कहाँ कहाँ डाल लिए टोकन, देखें यहाँ थोड़ी लगता है, ये तो यहाँ डलता है, इधर यहाँ लगता है, देखें 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 ये देखें देखें, लाओ मैं डालूँ, लाओ आप देखें, अब देख रहे माशाल्लाह से दिमाग, देखें एक दो दफ़ा मैंने डाला ना इसके सामने, देखें चलो मैं डाल दूँ, हैंडल पकड़ो, चलें चलो, वाह ये देखें, अब ये तीसरी दफ़ा बैठी है इस झूले पे, इसको ये पसंद आई है, मज़ा आ रहा है। ओए इसके कान भी है इसके, ये जैनब को अच्छा लग गया, मज़ा आ रहा है। ओए ओ इसका मुंह चेक करें, मुंह चेक करें इसका जैनब। नहीं उस पर तो आप बैठती नहीं हो, उस पर नहीं बैठाएंगे, इस पर बैठाएंगे आप, अब इसको बैठाएंगे जैनब को। चले गए थे शर्जील के साथ, थोड़ा मतलब गपशप लगाई, तो अभी फिर मैं चिप्स वगैरह खा कर आया, कोल्ड ड्रिंक भी लिया है, तो कोल्ड ड्रिंक ये पड़ी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अभी बैठ के थोड़ी देर में। बाकी सीन ये है कि जैनब सो गई अलहमदिल्ला, सुकून से सो रही है जैनब माशाल्लाह से। तो मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन कमेंट्स सब कर दो, जो जो हो सकता है करो भाई, सपोर्ट चाहिए आप लोग की, हर ब्लॉग पे बोलना पड़ता है लेकिन आप लोग जो है वो तवज्जो ही नहीं दे रहे,
आप लोग की सपोर्ट होगी तो व्लॉग बनेगा, लोड होगा, एडिटिंग तो करते, इतनी मेहनत करते, लेकिन आप लोग का रिस्पांस आ रहा है, अच्छा आ रहा है, लेकिन जिस तरह आना चाहिए उस तरह नहीं आ रहा। बाकी ये है कि जैनब आ ही नहीं रही थी भाई, वो कह रही है मुझे वहाँ छोड़ दो बस। वो तो मैंने टोकन वाले को बोला भाई टोकन ख़त्म हो गए, उसने कहा हाँ भाई टोकन ख़त्म हो गए, तो भी कह रही कि नहीं टोकन दो, मतलब उस दुकान वाले से कह रही कि मुझे दो टोकन, मुझे झूलों पर बैठना है, राइड्स वगैरह लेनी है मतलब ना। तो खैर बड़ी मुश्किल से हम जैनब को लेके आए, एक दो दिन में फिर हम जैनब को तारिक रोड पर जॉर्डन मॉल है वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ भी झूले वगैरह हैं, तो वहाँ पर जैनब को थोड़ा इन्जॉय करवाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।